तो हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आज के एक न्यू वीडियो में। देखिए गाइस, टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया दिन पर दिन आगे बढ़ता जा रहा है। सो गाइस, इसी तरह से एप्पल भी अपनी प्रोडक्ट को काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता है। एंड गाइस, इसी तरह से काफी अच्छे अच्छे जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च कर रहा है, दिन पर दिन अपडेट दे रहा है एप्पल का। सो गाइस, सबसे पहला अपडेट तो ये है कि गाइस यहाँ पे 15 इंच का मैकबुक लॉन्च किया है, जो कि गाइस दुनिया का सबसे पतला मैकबुक लॉन्च किया है। और गाइस यहाँ पे एप्पल का ISO 70 भी लॉन्च हो चुका है। इसमें आपको नए नए छोटे मोटे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे, एयर ड्रॉप्स में गाइस नया तरीका देखने को मिल सकता है। एंड गाइस, मेन बात करते हैं इस वाले आज के इस वीडियो की। तो देख लीजिए गाइस, एप्पल ने यहाँ पे अपना एप्पल का नया विजन प्रो हेडसेट यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। और तो गाइस, इस हेडसेट में आपको काफी ज्यादा खूबियां देखने को मिल जाएगा, जो कि गाइस बाकी सारे हेडसेट से अलग बनाता है। देख लीजिए गाइस, काफी सारा जो हेडसेट होता है वो फिर गाइस VR एंड गाइस AR होता है। तो देख लीजिए VR और AR में फर्क क्या होता है। तो गाइस, जो VR होता है उसमें गाइस आप यहाँ पे अंदर जब आप लगाओगे उसको हेड पे, तो गाइस उसको खाली आप विजुअलाइज कर सकते हो अंदर से कि ऐसा हो रहा है, मूवी वगैरह चल रहा है। बट गाइस एयर में क्या होता है कि आप अंदर और बाहर दोनों की भी चीजों को विजुअलाइज कर सकते हो, एयर में भी कर सकते हो गाइस एंड वीआर में भी, पर वीआर में थोड़ा कम देखने को मिल जाता है। बट गाइस यहाँ पे एप्पल ने जो लॉन्च किया है एयर किया है, उसमें गाइस आप अंदर के भी देख सकते हो एंड गाइस जो बाहर चीज हो रही होती है उसका भी देख सकते हो। सो गाइस, इसमें काफी ज्यादा अमेजिंग आपको इसमें देखने को फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस एक एक करके सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लीजिए गाइस, पहला फीचर आपको इस वाले हेडसेट में ये देखने को मिल जाता है कि इस वाले हेडसेट में ये जो पहला फीचर देखने को मिल जाता है कि देख लीजिए गाइस, सबसे पहले यहाँ पे एप्पल ने जो यहाँ पे इसकी लेंसेस है उसको गाइस काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन किया है। एंड गाइस सेकंड चीज जो इसमें की है वो ये किया गया कि इसके अंदर एक स्पीकर सिस्टम भी लगाया गया, जिससे गाइस अगर आप आवाज वगैरह सुनोगे, यानी कि गाइस अगर मूवी वगैरह भी देखोगे तो गाइस काफी ज्यादा रियली फील देगा। काफी ज्यादा अमेजिंग इसमें आपको देखने को मिल जाता है गाइस, एक जैसे रूम होता है उस तरह से इसको डिजाइन वगैरह किया गया, यानी कि गाइस खुद पे खुद यहाँ पे आपका रूम का जितना भी टेक्सचर वगैरह रहता है वो यहाँ पे कैप्चर करके यहाँ पे गाइस आपके जितने भी जैसे मूवीज वगैरह देखोगे या फिर गाइस कोई ऑडियो वगैरह सुनोगे तो उसमें आपको गाइस काफी ज्यादा ऑडियो क्वालिटी देखने को मिल सकता है। एंड गाइस इसमें सेकंड चीज की बात करते हैं तो ये है कि गाइस, और तो गाइस इसमें नया चीज ये है कि अगर आपके पास मैकबुक है एंड गाइस उसको यूज करते हो, तो गाइस अगर आप इस हेडसेट को लगाते हो तो गाइस उस वाले मैकबुक का जितना भी आपका स्क्रीन रहेगा वो गाइस यहाँ पे 3D में देखने लगेगा। एंड गाइस इसमें आपको उसको कंट्रोल भी कर सकते हो अपने मैकबुक को। एंड गाइस इसमें आप काफी ज्यादा 3D देखने को मिल जाता है, जिसको गाइस आप कंट्रोल भी कर सकते हो अपने मैकबुक से। और तो गाइस इसमें ये भी चीज देखने को मिल जाता है कि अगर आप कोई मूवी वगैरह देख रहे हो एंड गाइस उसमें जो आपकी आंख है वो नहीं दिखेगी, बट गाइस अगर आपके पास कोई आता है तो गाइस उसमें आके आपके दिख जाएगी। देख लीजिए गाइस, मैंने यही चीज आपको पहले बताया था VR और AR में पर, एंड गाइस इसमें और क्या चीजें देखने को मिल जाती है। तो देख लीजिए गाइस, आपको इसमें देखने को मिल जाता है कि इसमें आप 3D गेम भी खेल सकते हो। इसके में काफी ज्यादा हल्का बनाया गया, जान जी के इसको जो काफी ज्यादा हल्का बनाया गया ताकि गाइस ये हेड पे लगाए तो यहाँ पे कुछ ज्यादा वेट वेट ना लगे। एंड गाइस इसके चार्जर केबल भी देखे हुए तो काफी ज्यादा छोटा सा दिया गया ताकि गाइस इसमें कुछ भी वजन वगैरह देखने को ना मिल सके। एंड गाइस इसमें आपको और क्या खास चीजें देखने को मिल जाती है वो ये है कि गाइस, और तो गाइस इसको इसलिए भी खास बनाया गया है कि देख लीजिए गाइस जो इसमें प्रोसेसर लगाया है वो गाइस एक प्रोसेसर नहीं, यहाँ पे आपको दो चिप देखने को मिल जाता है, जो कि गाइस यहाँ पे M2 एंड गाइस R1 चिप देखने को मिल जाता है, जो कि गाइस मैकबुक वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। अब ये सोच लो गाइस, जो मैकबुक इतना फास्ट चलता है तो गाइस इसको अगर आप इस्तेमाल करोगे एंड गाइस इसको लगाओगे तो काफी ज्यादा स्मूथली चलेगा। एंड इसमें ये भी फीचर्स देखने को मिल जाता है कि अगर आपको इसको लगाते हो तो गाइस आपको यहाँ पे 3D पूरा एनिमेशन वगैरह देखने को मिल जाता है। इसमें गाइस आप ऐप वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हो। अब गाइस आप ये बताओगे कि आप हाथ से तो कर नहीं सकते हो, देख लीजिए इसमें आप आग से ही अपना जितना भी एप्लीकेशन वगैरह उसको कंट्रोल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। एंड गाइस इसमें अगर अनलॉक वगैरह भी करना होता है इस वाले हेडसेट को तो आपके आग से ही हो जाता है। जनरली क्या होता है गाइस, फेस होता है फोन वगैरह तो यहाँ पे फेस होता है मैकबुक को, बट गाइस जो एयर ये आपको सेट देखने को मिल जाता है ये गाइस यहाँ पे आग से भी अनलॉक हो जाता है। एंड गाइस आंखों से ये पूरा का पूरा चलता भी है। तो गाइस इसमें आप वीडियो कॉल भी अगर जब करोगे तो देख लीजिए इसमें आपको पूरा कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। एंड गाइस इसमें आप 3D कैप्चर भी कर सकते हो फोटो वगैरह, जैसे कि आपके आंखों के सामने कोई अगर किसी चीज का इमेज लेना चाहते हो तो इसके आपके गाइस फ्रंट पे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कैमरा देखने को मिल जाता है। एंड गाइस इसमें आप फोटो वगैरह ले सकते हो 3D में, ताकि गाइस आप फ्यूचर में वगैरह में देखोगे तो काफी ज्यादा वैसा ही दिखाई देगा जैसे आपने यहाँ पे खींच जाता है, एंड गाइस 3D की तरह दिखेगा। तो गाइस काफी अमेजिंग से फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड गाइस और क्या इसमें देखने को मिल जाता है, और तो गाइस इसमें ये भी फीचर्स देखने को मिल जाता है कि अगर आप वीडियो कॉल वगैरह करोगे या फिर गाइस आपको वीडियो कॉल करना है तो देख लीजिएगा इसमें आपको 3D वीडियो कॉल का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि गाइस आपको हेड लगाते ही देख लीजिएगा यहाँ पूरा का पूरा जो 3D है वो यहाँ पे आपको दिखाने लग जाता है। एंड गाइस इसमें और भी बेसिक जो काफी ज्यादा अमेजिंग फीचर्स है वो ये है कि गाइस,
और तो गाइस इसमें जो पिक्चर क्वालिटी है काफी ज्यादा अमेजिंग आता है। देख लीजिए गाइस इसका जो पिक्चर क्वालिटी है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आता है, क्योंकि इसमें जो दिखाया गया वो काफी ज्यादा 4K जैसे दिखाया गया है। एंड गाइस इसमें जितना भी ओवरऑल बताऊंगा काफी ज्यादा अमेजिंग अमेजिंग इसमें आपको फीचर्स देखने को मिल जाता है। देख लीजिए गाइस ये प्राइस थोड़ा सा हाई हो जाता है, बट इसमें आपको फीचर्स वगैरह सबको टोटली कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। एंड इसमें और क्या फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है, इसमें गाइस आप 3D काम वगैरह भी कर सकते हो, यानी गाइस आपकी आंखों के सामने 3D यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, आपके रूम में बैठे बैठे गाइस यहाँ पे 3D व्यू देखने को मिल जाता है। और तो गाइस इसमें आपको एप्पल का विजन प्रो हेडसेट देखने को मिल जाता है, जो कि गाइस काफी अच्छा है। बट गाइस इसमें आपको जो एक चीज देखने को मिल जाता है वो ये है कि गाइस इसका जो लॉन्चिंग डेट है, यानी कि गाइस जब ये लॉन्च आएगा, यानी कि गाइस यहाँ पे जब आएगा इंडिया वगैरह में आएगा या फिर गाइस वहाँ पे आएगा, तो गाइस इसमें आपको क्या देखने को मिल जाता है कि 1 साल के बाद आएगा। यानी यहाँ पे 1 साल के बाद आएगा, यहाँ पे सिर्फ गाइस ये बताया गया है कि इस तरह के इस चीज में फीचर्स वगैरह रहेंगे। तो बात करते हैं गाइस इसकी मेन प्राइस, तो गाइस इसकी प्राइस की बात करते हैं तो देख लीजिए इसका प्राइस होने वाला है $3,999 होने वाला है, यानी गाइस अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 2,80,000 रुपए यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, जो कि गाइस काफी ज्यादा हाई बजट है। बट गाइस इस बजट में आपको ये सारी फीचर्स मिलना गाइस काफी ज्यादा अमेजिंग है। आपको गाइस ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आप 3D वगैरह में बैठे हुए 3D काम कर रहे हो, 3D चीजें कर रहे हो, यानी कि काफी ज्यादा जो जो आप सोच नहीं सकते वो चीज यहाँ पे आपको इस वाले हेडसेट में मिलता है। बाकी गाइस मुझे आज की वीडियो में यही बताना था, वीडियो कैसे लगे आपको कमेंट करके बता देना है, वीडियो जैसे भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइस मैं मिलता हूं किसी और नए टेक्नोलॉजी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत।